तो दोस्तों आज उस्ताद लियाकत अजीज साहब का जो वाक्य की सीरीज चल रही है उसमें तीसरा वाक्य आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले उस्ताद लियाकत अजीज साहब से पूछ लेते हैं आज का वाक्य क्या रहने वाला है। भोपाल में एक बाजरी मादा थी जिसके बड़ा फिरत जो है पहले दिन अगर 12:30 क्रॉस कर ली तो वो उसकी दूसरे दिन की उड़ान जो होती थी मगरिब के वक्त की होती थी, और उसने जब से उड़ ली थी इसमें कभी कोई कमी नहीं करी थी, कभी कोई कोताही नहीं करी थी। और वो एक हमारे बबलू साहब हैं जो कि इस वक्त कबूतरबाजी में काफ़ी नाम कमा रहे हैं और बाजी भी उड़ा रहे हैं और टूर्नामेंट में भी अभी फर्स्ट आ चुके हैं पिछले उसमें। ये उनके घर का वाकया है और मुकाम लोकेशन इसकी है खानू गांव, लिहाजा मैं अब ये वाकया शुरू करता हूँ। तो ये वाक्य क्या था जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुनाल दिनमल प्लैनेट और मेरे साथ में हैं उस्ताद लियाकत अजीज साहब और इमरान खान जी भोपाल विजन से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और भोपाल विजन का भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो जैसे कि उस्ताद जी ने बताया था आज एक बाजरी कबूतरी के बारे में वो बताएंगे, तो उस्ताद जी के साथ चलते हैं और वाक्य जानते हैं क्या वाक्य था। जी सारे दुनिया के कबूतर परवरी से शौक़ करने वालों को मेरा सलाम कबूल हो और ये दोनों चैनलों की तरफ से भी उनको सलाम कबूल हो और इन दोनों चैनलों को आप लोग तहे दिल से दिल खोल के आशीर्वाद दीजिए दोनों नौजवानों को, और ये आपको बड़े आला अफजल कबूतरों के वाक़ और अच्छी कबूतरबाजी कराएंगे पूरी दुनिया भर के कबूतरबाजों को। लिहाजा आज जो मैं वाक़ सुना रहा हूँ ये मेरी जब मैं जजी बड़े ज़्यादा करता था और मेरा शौकी जजी हो गया था, ये उस वक्त का वाक़ है। ये वाक़ है खानू गांव का और टूर्नामेंट भी मेरा ही था वो। तो खानू गांव में राजधानी पिजन फ्लाइंग का टूर्नामेंट था और इसमें जनाब बबलू साहब ने कबूतर उड़ाए थे, तो हम अपने टाइम के मुताबिक मैं और यूनुस साहब पहुंच गए जजी के लिए, लिहाजा कबूतर उड़ाने का सील मोहरों का टाइम आया, सील मोहरें लगीं और एक कबूतरी के बारे में वहाँ और भी खिलाड़ी मौजूद थे, उनका कमेंट था कि ये मादा लियाकत साहब जिस दिन 12 क्रॉस कर जाती है उसके दूसरे दिन ये जो है मगरिब करती है, 10 घंटे से ज़्यादा ऊपर उड़ती है। मगरिब? हाँ मगरिब शाम की अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में आती है। अच्छा। अंधेरे तक क्योंकि कुछ उर्दू हाँ नहीं जानते तो दोस्तों 10 घंटे से ऊपर मान लिया। खैर साहब कोई बात नहीं थी, सील भी लगी और वाकई उसने कबूतर उड़ाया, उसके कबूतर बहुत अच्छे तैयार थे बबलू के और बड़े परवाजी माहौल बना रहे थे और कबूतर जब उड़े तो देखते ही देखते थोड़े टाइम में ही जाके गुरूब हो गए, आसमान में बंद हो गए। खैर साहब अब कबूतर बंद होने के बाद तो जो है कबूतर आसमान चला गया गिरेबाज, अब जो है बातचीत चलती रहती है, काफ़ी लोग इखलाकमंद लड़ता है, लोगों से बना के रखता है, काफ़ी भीड़ भी हुई थी उसमें। अभी एक साहब का इंतकाल हो गया, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त या भाई जैसे थे जनाब इलियास मियाँ, वो भी आ गए और भी लोग आ गए, बहुत काफ़ी भीड़ थी, जनाब पप्पू पीर साहब आ गए, ऐसे काफ़ी लोग थे। तो नाश्ता वगैरह चल रहा था तो इलियास भाई कहने लगे लियाकत मियाँ आज आपको यहाँ जो है शाम तक जो है ड्यूटी देना है। तो मैं कह इलियास भाई जब इंसान जजमेंट के लिए निकलता है तो शाम दिमाग में लेके चलता है, तो कबूतर उड़ते हैं तो अच्छे जज को खुशी होती है, अच्छी बात है, हम तो तैयारी से अच्छा कबूतरबाजी होगी। खैर साहब मैंने अखलाकतन ये बात कही थी हालांकि मैं इससे मुतमईन नहीं था, मगर अखलाक भी कोई चीज़ होती है। खैर साहब थोड़ी देर हो गई, यहाँ तक कि 10 बज गए, तीसरा घंटा भी कबूतर क्रॉस कर गए थे उस वक्त। एक साहब हो रहा है, वो लोग एक ही महल ले के थे, आपस में बात करने लगे,
तो यार आज तो बाजरी जो है शाम कर देगी और आज लंबी से परवाज दिखाएगी, मुझे अभी भी वही मजा आ रहा है, कहने लगे शाम कर देगी और ये वो। तो जब तीन चार बार मुझे मुखातिब कर देते हैं लोग तो फिर मैं कबूतरबाजी करता हूँ दोस्त, वो करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे कहा बड़े बड़े मजाक के मूड में, कहा लियाकत मियां आज शाम हो जाएगी, देखो अब तीन घंटे क्रास हो गए एक कबूतर भी। तो मैं कहा लियाज भाई आप मेरे कारीब करीब हो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, आज सब कबूतरों का नहीं कह रहा हूँ लेकिन बाजरी आज रजिस्टर नहीं होगी। अच्छा। हाँ मैंने ये बात कह दी भाई, कह दी दोस्तों वहाँ पे इलियास साहब मेरा मुँह देखने लगे। अच्छा जो लोग मुझे जानते हैं तो वो ज़रा सा, खैर साहब भीड़ और बढ़ती गई, चौथा घंटा क्रास हो गया, साढ़े चार घंटे के बाद जो है एक कबूतर आसमान में खुला। तो सब आपस में वो लोग रोज देखने वाले आसपास के लोग थे, गए यार वो फीका फीका नर खुल गया इनका, लियाकत साहब देख लीजिए। मैं कहा हाँ मैंने देख लिया, आप लोग देखिए। वो लोग फिर दो तीन ने कहा साहब फीका नर खुल गया, फीका नर खुल गया। मैं जी नहीं ये फीका नर नहीं, ये बाजरी कबूतरी आ रही है। हाँ बेटा कुणाल बाजरी आ रही है। तो अब लोगों की और ज़्यादा गहराई में नजरें, फिर साहब वो कबूतरी धीरे 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 नीचे की तरफ आई, जब अधड़ पे आ गई वो क्लियर दिखने लगी तो लोग कहने लगे यार ये बाजरी आ रही है। खैर साहब वो दस एक मिनट रह गए थे रजिस्टर होने में, वो कबूतरी छतरी उसकी है लगी थी उस पर आके बैठ गई। अब यार वो पूरा माहौल बदल गया और मुझे भी अफसोस हुआ यार कि ये कबूतरी इसके जीत का सिरा थी, शौक की भी, शौक की भी। अब मुझे हालांकि अच्छा नहीं, मगर जो सच था वो कहना पड़ा, अगर नहीं कहता तो ये किस्सा भी आपको ये वाकया नहीं सुना रहा हूँ। सही बात है। अब भाई वो कबूतरी आई तो वो जो खिलाड़ी था जाहिर सी बात है वो कबूतरबाज है, कबूतर उड़ाने वाला, वो आया कह लियाकत भाई ये बताइए ये बात। तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो तुम चाय का ट्रे लिए हुआ था, मैं कहा ट्रे रखो और कबूतरी को उतारो फिर तो अपने हाथ में रखना, मैं बताऊँगा तुम क्यों ये आ गए। पर साहब उसने लिफ्ट वाली छतरी थी, लिफ्ट करी छतरी नीचे आई, उसने कबूतरी उतारी पकड़ के अपने हाथ, वो इतनी दूर खड़ा हो गया। मैं कहा बबलू साहब इसकी रान के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा हुआ, ये कबूतरी मेरी नज़र में अभी भी शाम के रास करके आई है लेकिन इसकी रान के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा हुआ है। जो उसने देखा तो दोस्तों हमेशा की तरह सही बात थी, उसकी रान के ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा हुआ। अब हालांकि हो सकता मैं गलत हूँ या हो सकता सही भी हूँ, उसने मुझे कहा कि जब आपको मालूम था कि इसकी रान पर रबर बैंड बड़ा चढ़ा हुआ तो आपको सुबह मुझे बताना चाहिए था। मैं कहा दोस्त मैं जज बन के यहाँ आया हूँ और जज अगर किसी खिलाड़ी की कमियों को बताता है वहाँ तो ये तो सीधा सीधा खुला सपोर्ट करना होगा। आप क्या कहते हैं कुणाल साहब? बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं जज की हैसियत से आया हूँ, तुम्हारे चचा दोस्त या एक कबूतरबाज तो मैं हूँ नहीं, उसकी हैसियत से नहीं आया हूँ। क्योंकि जैसे अगर कोई टीचर है, हाँ, अब वो देख रही है कि बच्चा एग्जाम में गलत लिख रहा है तो वो चाह के भी उसे ठीक नहीं बताना नहीं चाहिए। हाँ जी। या तो वो उसे ट्यूशन पढ़ाता होगा, उसके बाप से पैसे वैसे लेता होगा। मैं बड़ा साफ बोलने का आदी हूँ तो लिहाजा इस तरीके से वो उड़ान का वाकया आज करीब 25 साल के लगभग हो रहा है लेकिन वो मैं डायरी में ख़ास ख़ास वाकये लिखता हूँ, ये मेरे यहाँ एड है। और आज कुणाल एनिमल प्लैनेट के ऊपर भी आप लोग देखेंगे इसको, लिहाजा ये वाकया यहीं ख़त्म करता हूँ और जय हिंद। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा और भोपाल विजन्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर ज़रूर धन्यवाद।